बर्थडे ओए मेरी जान, हैप्पी बर्थडे ओए मेरी जान। हेलो गाइस, क्या आप भी कुछ इस तरह का बर्थडे वीडियो क्रिएट करके विश करना चाहते हो? तो आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ इस तरह का वीडियो कैसे क्रिएट करना है। बस आपको वीडियो के शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग चलते अपने स्क्रीन तरफ और सीखते कैसे बनाना है। लेट्स बिगेन। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले वीडियो को बनाने के लिए काइनमास्ट ऐप को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास प्रो एपीके नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हो, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे हम लोग प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग वन बाय वन वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे। एडवांस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको फिल कर लेना है, 4.2 करना है। और यहाँ पे ट्रांजिशन ड्यूरेशन को 1.0 कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ पे मीडिया लैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फोटो वाले सेक्शन में चले जाएंगे। यहाँ पे 10 पिक्स को ऐड कर लेंगे, तो जल्दी से ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने सारी पिक्स को ऐड कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे फोटो पे क्लिक करेंगे, पेन एंड जूम पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे फोटो पे एंड पोजिशन पे आके थोड़ा सा इसको जूम कर लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट फोटो पे क्लिक करेंगे, पेन एंड जूम पे क्लिक करेंगे। इसकी स्टार्ट पोजीशन को हम लोग थोड़ा जूम कर लेंगे। फिर थर्ड पे क्लिक करेंगे, पेन एंड जूम। फिर इसको हम लोग साइड में करके ऐसे कर लेंगे। आपको सेम अपने हिसाब से कर लेना है, बाकी मैं अपने हिसाब से डिज़ाइन करता हूँ, तो आप देख ही लो जैसा करना है वो आप कर सकते हो। अगर आपको मेरे तरीके करना है तो आप सेम मेरे तरीके अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमने सारे पे पेन एंड जूम कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को जो आ जाना है ये माइनस वाला आइकन पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे जाएंगे। यहाँ पे आपको पिक्चर्स इन पिक्चर्स मिल जाएगा। यहाँ पे आप कलर स्टाइल्स लगा लेना, सेकंड पे क्लिक करना। फिर से पिक्चर इन पिक्चर्स में वीडियो टाइल्स। फिर हम लोग जाएंगे नीचे प्रेजेंटेशन में। यहाँ पे हम लोग ब्लॉकिंग वाला लगा लेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे नीचे जाएंगे, पिक्चर्स इन पिक्चर्स में कॉर्नर्स वाला लगा लेंगे। आपको सेम ऐसी है जिस जो हमने ट्रांजिशन इफेक्ट यूज करे हैं, सेम आप वीडियो को स्लो करके देख लेना और वैसे ही आप सेम आप लगा लेना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फोटो पर क्लिक करेंगे, इसकी ड्यूरेशन को हम लोग कम कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में आएंगे, यहाँ पे इसको हम लोग 29 सेकंड के आसपास कर लेंगे। ये हमने कर लिया। इसके बाद हम लोग इसको सेव कर लेंगे गैलरी में। तो यहाँ पे आपको साइड एरो दिख रहा है, इसको क्लिक करना है, 720 कर लेना है, सेव एस वीडियो कर देना है। ये हमारी वीडियो सेव हो जाएगी गैलरी में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जब तक सेव हो रही तब तक हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए हमेशा के लिए। ये हमारी वीडियो सेव हो गई। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे बैक। इसके बाद यहाँ पे आपको इस वीडियो के 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे 9:16 रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, ये कॉपी लिख के आ गया, इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। अब हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजिशन इफेक्ट को चेंज कर लेना है। तो सब पे ट्रांजिशन इफेक्ट जो लगा है इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ट्रांजिशन इफेक्ट पे क्लासिक ट्रांजिशन में क्लिक करेंगे, क्रॉस फेड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाएंगे, ये अप्लाई टू ऑल लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर सब पे अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फोटो पे क्लिक करेंगे, पेन एंड जूम पे क्लिक करेंगे, सारी फोटो को सेट कर लेंगे फिर से, क्योंकि यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हैं छोटी हो चुकी है। फ्रेंड्स, हमने सारी फोटो को पेन एंड जूम फिर से कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे नीचे लेयर पे। यहाँ पे हम लोग जो है मीडिया पे जाएंगे।
इमेज असिस्ट में जाके ब्लैक लेयर ले लेंगे, इसको हम लोग पूरे पे सेट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग को इसको जो है जूम कर लेना है, यहाँ पे इसको इस तरीके से खींच लेंगे। यहाँ पे आपको नीचे आना है अल्फा ओपेसिटी में, यहाँ पे इसको आप कर लीजिएगा 50। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे, विगनेट को ऑन कर लेंगे सारी। हमने सारी फोटो की विगनेट को भी ऑन कर लिया। अब हम लोग फिर से लेयर पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, बेसिक इफेक्ट गॉसियन ब्लर, इसको हम लोग फुल फ्रेम कर लेंगे और यहाँ पे लास्ट तक इसको भी रख लेंगे। लास्ट तक रखने के बाद यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करके इसको हम लोग कर देंगे 4 या 5। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे जाएंगे और टेम्पलेट फाइल को ऐड कर लेंगे जो हमने बनाई है, इसको आप डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गूगल ड्राइव वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग स्प्लिट स्क्रीन कर लेंगे और यहाँ पे ब्लेंडिंग पे जाके स्क्रीन कर लेंगे। ये हमारी टेम्पलेट लग गई। अब हम लोग ने जो वीडियो को सेव करा था गैलरी में उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया में जाएंगे, काइन मास्टर वाले फोल्डर में जाके इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमारी वीडियो आ गई है, इसको हम लोग स्क्रीन को जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बॉक्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करना, यहाँ पर हम लोग इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको नीचे आना है, एक ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, इससे आप इसका एंगल सेट कर सकते हो। तो हमने इसको सेट कर लिया। यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेंड टू बैकवर्ड कर लेना है। ये हमारी वीडियो लग चुकी है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो फ्रेम पार्ट दिख रहे हैं इसके अंदर फोटो को ऐड करेंगे, हम लोग इसमें फ़ोटो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मीडिया पे जाना है, सॉरी लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, ब्लॉसम वाले फोल्डर में चले जाएंगे, यहाँ पर हम लोग फोटो को ऐड करते हैं, इसको हम लोग छोटा कर लेंगे और इसके अंदर हम लोग फ्रेम में कुछ इस तरीके से लगा लेंगे। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैकवर्ड कर देंगे तो हमारा फ्रेम में लग जाएगा। हम लोग इसे वापस कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको लास्ट तक रख लेंगे। ये हमने लास्ट तक रखने के बाद इसको फिर से क्लिक करेंगे टेम्पलेट फाइल पे और यहाँ पे हम लोग इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। लेयर को डुप्लीकेट करने से आपको बार बार लेंथ लंबी नहीं करनी पड़ेगी, खाली फोटो को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोग चेंज कर लेते हैं फोटो, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैकवर्ड कर लेंगे। यहाँ पे नीचे ट्रांसफॉर्म पे आके एंगल थोड़ा सेट कर लेंगे, इसे डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पे नहीं रिप्लेस पे आके फिर से चेंज कर लेंगे फोटो, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे, फ्रेम के अंदर ले आएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैकवर्ड कर लेंगे। इस पे क्लिक करके सेंड डुप्लीकेट कर लेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रहा हूँ, कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा फास्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैकवर्ड कर लेंगे, इस पे डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको लास्ट वाली भी हम लोग ऐड कर लेंगे। डॉट पे क्लिक करना है, सेंड टू बैकवर्ड कर लेना है, वो भी हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे। ये हमारी 5 फोटो लग गई हैं। अब हम लोग लास्ट तक देख रहे हैं सारी की लेंथ भी सही है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेम को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को लेयर पे आ जाना है, टेक्स्ट पे आना है, यहाँ पे नेम लिख लेंगे जो भी है,
ओके। यहाँ पे हम लोग नीचे इसको ले आएंगे, यहाँ पे आपको डबल ए पे क्लिक करना है, यहाँ पे लैटिन में चले जाना है, यहाँ पे आपको बहुत से फॉन्ट दिख जाएंगे, तो आप जो सभी फॉन्ट लगाना चाहो लगा सकते हो। हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे जाना है ग्लो पे, यहाँ पे आप इनेबल कर देना, यहाँ पे आप इसको अपने हिसाब से ग्लो कर लेना है। बाकी यहाँ पे आप कलर जो भी आप चाहो वो ऐड कर सकते हो। तो हम लोग इसको ऐड कर लिया है, इसको हम लोग लास्ट तक रख लेंगे। ये हमने लास्ट तक कर लिया, अब हम लोग वीडियो चला के देख लेते हैं। ये हमारी वीडियो एकदम परफेक्ट बन चुकी है, देख सकते हैं आप। अब हम लोग इसको सेव कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको साइड एरो पे क्लिक करना है, 720 कर लेना है, सेव एस वीडियो कर देना है। ये हमारी वीडियो सेव हो जाएगी गैलरी में, बाकी हमने सेव कर रखी है पहले से, हम लोग इसको क्रॉस कर देते हैं। बाकी आपको यहाँ पे सॉन्ग को अगर चेंज करना है तो यहाँ पे आप टेम्पलेट फाइल के सॉन्ग पे आ जाना, टेम्पलेट फाइल पे क्लिक करना, मिक्सर पे जाके इसको ऑफ कर देना, यहाँ पे आप ऑडियो पे जाना, आपने जो भी सॉन्ग को डाउनलोड कर रखा हो उसको यहाँ पे आप आके ऐड कर देना। यहाँ पे प्लस वाला आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करके ये आपका नीचे सॉन्ग आ जाएगा, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, उसके बाद सेव कर देना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।